मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। आज हम गर्भावस्था की बहुत जरूरी सी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि डेली बच्चे के मूवमेंट काउंट कैसे काउंट किए जाएं और कब ऐसा रहे कि ये बच्चा सुस्त है या कब हमें हॉस्पिटल जाके दिखाने की जरूरत है, हम किस तरीके से रेगुलर अपने बच्चे का वॉच रखें कि मूवमेंट सही चल रहा है और हमारा बच्चा पेट के अंदर स्वस्थ है, उसे कोई परेशानी नहीं है। गर्भावस्था एक लेडी की लाइफ का सबसे प्यारा एहसास है। हर लेडी उस पल का, प्रेगनेंसी होने के बाद उस पल का वेट करती है कि कब उसे अपने बच्चे की पहली किक महसूस होगी। फिल्मों में हम देखते हैं कि मदर फादर को बताती है कि आज बच्चे ने पहली बार उसके पेट के अंदर हलचल करी, लात मारी। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कब से मदर ये महसूस करने लगती है कि हलचल अब उसे पता चलनी चाहिए। यदि पहली प्रेगनेंसी है तो 20 हफ्ते के आसपास प्लस माइनस एक हफ्ता ले लीजिए, मदर को हलचल महसूस होने लगती है। 20 हफ्ते हम वीक्स में प्रेगनेंसी गिनते हैं, आप महीने में ले तो पांचवें महीने के आधा होने के बाद हलचल महसूस होने लगती है। यदि दूसरी प्रेगनेंसी है तो पेशेंट को आइडिया रहता है पहली प्रेगनेंसी के वजह से कि हलचल कैसी महसूस होती है, तो ये चीज पांचवें महीने की शुरुआत के एक आध हफ्ते बाद ही पता चलने लगती है कि बच्चे ने किक शुरू कर दी है। इनिशियली ये नाभि के नीचे बबल की तरह महसूस होता है, जैसे पानी में कुछ मूवमेंट हुआ या कुछ छूके गया। जब बच्चा आगे की तरफ मूवमेंट करेगा तभी पता चलेगा, पेट की तरफ किक मारेगा तभी पता चलेगा कि मूवमेंट हुआ है। जब बच्चा पीछे की तरफ करेगा या मेजर मूवमेंट होगा तभी बच्चे माँ को महसूस होगा उस समय पे कि हलचल हुई है। एक महीना बीतने के बाद, मतलब छठा शुरू होने के बाद या छठा के 10-15 दिन बीतने के बाद में ये हलचल अच्छे से पता चलने लगती है। छठे महीने के एंड होने तक के रेगुलर मूवमेंट बच्चे में आ जाते हैं, तो इस समय के बाद, मतलब छठे के खत्म होने तक हमें काउंट रखना जरूरी हो जाता है। हमारी भाषा में बोलेंगे तो 26 हफ्ते के आसपास हमें मूवमेंट काउंट रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि 26 हफ्ते का बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग हाथ पैर में हो जाता है कि मूवमेंट हर बार पता चले, वो पीछे भी पीठ की तरफ भी किक मारे तो मदर उसे महसूस कर पाती है। मेजर मूवमेंट कभी कभी चक्कर का भी एहसास दे देते हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। यदि बच्चा एक्सेस मूवमेंट कर रहा है तो आप थोड़ी देर रुक के रेस्ट कर ले, और यदि बहुत देर तक के मूवमेंट नहीं फील हो रहा है तो सब काम छोड़ के आप लेफ्ट करवट लेके रेस्ट करें और काउंट पे ध्यान दें। काउंट किस तरीके से लेना है? 5 से 6, 6 महीना खत्म होने के बाद 4 से 5 घंटे या मैक्सिमम 6 घंटे तक के स्टिल यदि आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, एक भी मूवमेंट नहीं है, तो आपको फिर ध्यान देना है कि मूवमेंट क्यों नहीं हुआ है। इसके लिए हम पेशेंट्स को बताते हैं कि सुबह, दोपहर, शाम वो अपने मूवमेंट को काउंट रखें। ब्रेकफास्ट, सुबह के नाश्ते के अराउंड मूवमेंट पता चलना चाहिए। ये मूवमेंट 10 से 12 बार यदि आपको एक्टिव मूवमेंट किक करने का पता चल जाता है तो फिर आपको और फर्दर काउंट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही दोपहर के खाने के अराउंड आप मूवमेंट को काउंट कर लीजिए और रात के खाने के अराउंड मूवमेंट को काउंट कर लीजिए। मोस्टली जब हम कुछ खाते हैं उसके बाद मूवमेंट अच्छे से महसूस होता है, कभी कभी खाली पेट भी मूवमेंट बहुत अच्छे से महसूस होता है, तो ये जरूरी है कि हम तीनों पहरों पे सुबह, दोपहर, शाम मूवमेंट को काउंट रख लें। यदि आपको कुछ स्पेशल चीजें बताई गई हैं, जैसे बच्चे के गर्दन में नाड़ा है, बच्चे के आसपास पानी कम है, बच्चे की ग्रोथ कम है, बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, ये कुछ हाई रिस्क कंडीशन है जिसमें आपको स्पेशली ध्यान रखना है मूवमेंट का, बिकॉज इन पेशेंट्स में बच्चे की खून की सप्लाई किसी भी समय रुक सकती है, कम हो सकती है और बच्चा सुस्त हो सकता है। यदि आपको मूवमेंट कम महसूस हो रहा है तो मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि आप सब कुछ चीजें छोड़कर लेफ्ट करवट लेके घर में ही आधा घंटा लेट कर देखिए, हाथ पेट पर रख कर महसूस करने की कोशिश करिए कि बच्चे की कोई हलचल आपको महसूस हो रही है या नहीं। यदि आपको नहीं महसूस हो रही है तो हमें घंटे बिताना नहीं है, यदि एक विजिट एक्स्ट्रा हो जाती है तो कोई उसमें
गड़बड़ी नहीं है, आप एक बार विजिट कर लें। स्पेशली जब पहली प्रेगनेंसी होती है, पेशेंट को कई बार ऐसा होता है मूवमेंट काउंट नहीं समझ में आ रहा है, तो विजिट कर लेने में अस्पताल में, एक बार धड़कन सुनवा लेने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप रिस्क को अपने लेवल पे नहीं असेस कर सकते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन यदि सुबह ही हुआ है अच्छे से मूवमेंट, तो हर घंटे बच्चा मिक्सी की तरह मूवमेंट नहीं करेगा, थोड़ी देर बच्चे भी सोते हैं 3-4 घंटे के लिए, और फिर उनका नींद का पैटर्न होता है, वो उठते हैं, खेलते हैं और फिर सो जाते हैं। बच्चा अपनी अपसाइड डाउन पोजीशन चेंज कर सकता है, लेकिन 9वें महीने के बाद वो एक फिक्स्ड पोजीशन ले लेता है। यदि हेड नीचे है तो हेड नीचे ही रहेगा, पैर ऊपर है तो पैर ऊपर ही रहेंगे, पूरा अपसाइड डाउन नहीं होने वाला है। लेकिन किक डिलीवरी का पेन शुरू होने तक के महसूस होने चाहिए आपको। किक हमें ये बताता है कि बच्चे का एनर्जी लेवल अच्छा है और उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई मेंटेन है। जैसे पैदा होने के बाद में हमें 3-4 घंटे में बच्चा ना उठे, सुस्त लगे, तो हम वरीड होंगे, वैसे ही 6वां महीना खत्म होने के बाद में यदि सुस्ती पेट में लग रही है, तो उसे हमें खुद जानना है, खुद ध्यान रख के उसको जल्दी से पॉइंट आउट करके टाइमली हमें उसे हॉस्पिटल पहुंच के बताना है। यदि सुस्त रह रहा है, कई सारे पेशेंट पहली प्रेगनेंसी में इस तरीके से गड़बड़ करके आते हैं कि कल से मूवमेंट कम था, सुबह से मूवमेंट नहीं हुआ है और वो दूसरे दिन हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि यदि सुबह के बाद दोपहर में नहीं हो रहा है मूवमेंट, सुबह हुआ है, तो आप शाम को मिलिए डॉक्टर को, एक बार धड़कन सुला लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है मूवमेंट काउंट को लेके, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उनका आंसर देने में बहुत ही हैप्पी फील करूंगी। थैंक यू सो मच, हैप्पी प्रेगनेंसी।